रविवार को हरियाणा नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के मांडीखेड़ा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी व बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के समर्थन में एक विशाल जनसभा को आयोजन किया गया। इस जनसभा को इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने संबोधित किया और जनता से कई महत्वपूर्ण वादे किए। अभय चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश के बुजुर्गों को 7500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जोड़े को 15000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए जब तक नौकरी नहीं लगते जब तक 21000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा भी किया। युवाओं के रोजगार की समस्या पर जोर देते हुए चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बिजली और गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। अभय चौटाला ने गृहिणी महिलाओं के लिए विशेष घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें 1100 रुपये प्रति महीने रसोई खर्च के लिए दिए जाएंगे। चौटाला ने अपने भाषण में कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन जनता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनका मुख्य लक्ष्य हरियाणा का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने राज्य के मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता को उनके अधिकार नहीं दे पाए हैं और इनेलो की सरकार आने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर नागरिक को उसका हक मिले। वहीं इनेलो महासचिव ने मेवात इलाके के 9 गाँवों की जमीन अधिग्रहण पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा सरकार ने मेवात के किसानों के साथ धोखाधड़ी करके जमीन हथिया ली है। अगर इनेलो की सरकार बनती है तो किसानों को ब्याज सहित मुआवजा दिया जाएगा। जनसभा में इनेलो के उम्मीदवार हबीब हमनगर ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उनका राजनीति में आने का मकसद पैसे कमाना नहीं है बल्कि क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर झिरका की जनता को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जनता के साथ खड़े हैं। हबीब हमनगर ने भरोसा दिलाया कि वे क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। अंत में हबीब हमनगर ने बड़ी संख्या में उपस्थित जनता का धन्यवाद किया और इस विश्वास को प्रकट किया कि जनता का समर्थन उन्हें विधानसभा चुनाव में विजय बनाएगी। बड़कली से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। हमारे नेता चौधरी अभिषेक चौटाला जी का हम यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सब भाइयों का जो 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो 11 बजे से बैठे हैं। भाई साहब आपके इंतजार में 11 बजे से बैठे हैं सारे लोग और मेवात में कितने चाहते हैं आपको ये देखिए। और हमारा सम्मानित मंच बहुत सारे हैं, नाम तो बहुत टाइम लग जाएगा सबका नाम लें। देखो भाई चुनावी दौर चल रहा है, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। अभी तक आज तक के इतिहास में मेवात के लिए जिन्होंने मेवात के लिए लड़ाई लड़ी, मेवात के लिए काम किया, माननीय चौधरी प्रकाश चौटाला जी की सरकार में जितनी नौकरियां लगी, जितनी गांव गांव जाके सरकार आपके द्वार में गांव में जाके पूछते थे बताओ क्या काम है, आप सबके सामने आते थे। योजना आपकी जो पहली योजना थी उस वक्त 450 करोड़ रुपए की थी जो हमारे नगीना इनंगवा और नूह के लिए जो थी। पहला जिला ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियां बोलती रही जिला बनाएंगे, इनकी सरकार आई नहीं बनाया। माननीय चौधरी प्रकाश चौटाला जी ने मेवात को जिला बनाया। जितने काम मेवात में उस दौर में हुए और भाईचारा के लिए कहीं भी कुछ भी हुआ, लेकिन मेवात में भाईचारा और सारे हरियाणा में एकदम भाईचारा रहा और दूसरी जगह कुछ कुछ होता रहा तो सख्त कानून व्यवस्था हरियाणा में थी। आपको याद होगा उस वक्त मुझे लगता है मेवात के सबसे ज्यादा हितैषी माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी, इन सब इनसे ज्यादा कोई हितैषी आपका नहीं है।